हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, आज है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन है ये आज। और देखिए, पूजा पाठ मैंने सब कर लिया है, अभी आपको दर्शन करने नहा लिया है, बाल धोए थे मैंने अपने। और यहाँ देखिए, पूजा हो चुकी है मेरी, और बहुत देर हो गई मैंने पूजा जब करी थी। और बच्चों के लिए लंच भी बना कर दिया है मैंने, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और सारा। और अभी मुझे बनाने हैं परांठे, थोड़े से बचे हुए हैं, बच्चों के लायक ही बना कर दिए थे मैंने, क्योंकि देर हो रही थी बच्चों को। तो बस, और देखिए मैंने कपड़े जो है सील रहे थे, तो मैंने किवाड़ पर ही डाल दिए यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में, किचन में देखिए कितना फैलारा हो रहा है यहाँ पर। मैं ऐसे ही छोड़कर बच्चों के लिए लंच देने के लिए चली गई थी, और अब दोबारा से बनाऊंगी पराठे। और यहाँ देखिए पिट्ठी रखी है मेरी, और अब बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। तो ये देखिए, आटा तैयार हो चुका था फ्रेंड्स, और मैंने 10 मिनट के लिए उसे रख दिया था। और पिट्ठी मैंने पहले ही तैयार करके रख रही थी, और इसमें मैंने धनिया, हरी मिर्च और मसाले मिला लिए हैं सारे, और मिक्स कर लिया है अच्छे से। और आलू के पराठे बना रही हूँ मैं अब। और आलू के पराठे बच्चों को नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट वो नाश्ता करके तो नहीं जाते हैं, दूध पीकर ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दूध पीकर ही जाते हैं। तो वो जो है लंच में रख कर ले जाते हैं आलू के पराठे, या फिर आलू की रोटियां भी बनवा लेते हैं बच्चे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैंने और अपने हस्बैंड अपने लिए और हस्बैंड के लिए सेक लिए थे पराठे, और हमने चाय के साथ खाए थे। और सब्ज़ी रखी थी इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, और पराठे सेक लिए, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी पराठे बने थे। और तो हम तो चाय के साथ ही खाएंगे, और मन करेगा तो अचार वगैरह भी ले लेंगे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सर्दियों के टाइम में तो ज़्यादातर पराठे बनते ही रहते हैं, और किसी भी चीज़ के बनाओ वो अच्छे लगते हैं, या गोभी के बना लो, या फिर मूली के बना लो, या फिर आलू के और मेथी के पराठे भी। और सोच रही हूँ मैं एक दो दिन बाद मैं मेथी के पराठे भी बनाऊँगी, तो देखते हैं कब तक बनाते हैं। और देखिए बनकर तैयार हो चुका है आलू का पराठा, करारा करारा, बहुत ही टेस्टी लगा था। और हरा धनिया और मिल जाए तो बहुत ही और ज़्यादा टेस्ट इनका दुगना बढ़ जाता है पराठों का। तो मेरा बेटा जो है वो आलू की रोटियां ज़्यादा पसंद करता है, तो उसको मैंने आलू की रोटियां दी हैं, और बेटी को दी हैं आलू की पराठे। तो मैं बना लेती हूँ सारे पराठे, और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, और घर में जो काम है वो निपटाऊंगी मैं। वैसे काम सारा निपट चुका है मेरा, नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो देखते हैं कितनी देर में बनते हैं मेरे पराठे।
तो मैंने सारे पराठे बना लिए थे फ्रेंड्स, और अब बनाने रख दूँगी चाय। वैसे दूध मैंने उगाल दिया था पहले ही, तो चाय नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा देर की चाय रखी हुई पी नहीं जाती है फिर। तो मैंने साथ के साथ ही चाय बनाई थी, तो मैंने चाय बॉयल करने के लिए रख दी थी ये, और इसमें चाय पत्ती चीनी डाल दी थी दूध में मैंने, तो मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है। और अब अच्छे से उबल चुकी है, अदरक डाल दिया है इसमें। तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता तैयार प्लेट में, और पहले दूंगी मैं हस्बैंड को, और उसके बाद मैं भी खा लूँगी उनके साथ बैठकर। तो देखिए चाय मैंने कर ली है, और अब मैं हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते के बाद मुझे कुछ सिलाई विलाई का काम भी करना है फ्रेंड्स। तो मैं सिलाई का काम करूँगी थोड़ा सा, कुछ सिलना है मुझे तो सिल लूँगी मैं। अब तो यहाँ पर रख लिए हैं मैंने पराठे सारे, तो आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए आलू के पराठे और चाय। तो मैं ले जाती हूँ अंदर इनको। तो यहाँ देखिए मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी, घर का काम भी जो है निपट चुका था सारा। और ये टाइम हो रहा है 10:11 बजे का टाइम है ये फ्रेंड्स। तो मैं खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा जो मुझे सिलना है कुछ, तो मैं उसे सिल लूँ। और यहाँ देखिए मैं मशीन लेकर बैठ गई थी, तो मुझे एक मतलब थैला टाइप बनाना था, जिसमें हम कुछ भी सामान रख कर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जो थैली होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इसलिए हस्बैंड बोल रहे थे एक थैला टाइप में जो होते हैं, तो मैंने उनका पेंट में से एक थैले बना रही हूँ। और ये घर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए मैं ये बना रही थी और ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा इसकी, तो ये इसीलिए मैं इसको लेकर बैठ गई थी। और ज़रा सी देर में ये बन गया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें, सिर्फ चारों तरफ सिलाई मारनी पड़ती है, और जो पकड़ने वाली जो बेल्टें होती हैं वो लगानी पड़ती हैं बस। और ज़रा सी देर में ये बनकर तैयार हो गया था, और इसमें हम कुछ भी सामान रख कर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और सब्ज़ी वगैरह कुछ भी मतलब हम इसमें रख सकते हैं, और कंफर्टेबल रहता है, और बहुत ही मजबूत मतलब रहता है ये। तो इसको मैं बना लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ तो नहीं था इस वीडियो में, क्योंकि आजकल मेरा वीडियो बहुत ही कम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखें, और अच्छे से अच्छे व्यूज लाने की कोशिश करें फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, और मुझे भी आगे बढ़ने में अपना प्रोत्साहन कीजिए प्लीज़। तो ये वीडियो ज़्यादा कुछ तो नहीं था, यही छोटा सा ही था, और देखते हैं अगले वीडियो में क्या करते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने थैला बना लिया था, और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ घर की हो चुकी है, आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा पड़ा है घर। और फ्रेंड दिल्ली में तो ठंड हल्की फुल्की अब होने लगी है, मतलब हल्का फुल्का शॉल स्वेटर जर्सी ये सब पहनने की ज़रूरत पड़ती है हल्के फुल्के, और हर जगह मौसम पता नहीं कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में तो अब ठंड पड़ने शुरू हो चुकी है, और सुबह शाम मतलब जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और ज़रूरत भी पड़ती है कुछ शॉल या फिर स्वेटर पहनने की। तो जब बाहर जाते हैं स्कूल के बच्चे तो मतलब वो पहन कर जाते हैं स्वेटर वगैरह, और जो स्कूल के टीचर हैं वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब बच्चों को स्वेटर वगैरह पहना कर भेजिए, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। तो हम लोगों ने भी अपने बच्चों को स्वेटर पहना कर भेजते हैं, हम तो नहीं पहनते हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक का था, आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।